देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे आज असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और उसके बाद कब समाप्त हुआ था, दोनों जानेंगे हम आज आज इस पाठ में। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन देखिए असहयोग आंदोलन प्यारे बच्चों 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके में हमारे राष्ट्रपिता मतलब महात्मा गांधी इसके मेन संरक्षक थे बेटा, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किस लिए चलाया गया इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया कि ब्रिटिश शासन जो था वो अपनी हुकूमत हमारे पर बहुत ज़्यादा थोप दिया था, तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि हम लोग एक असहयोग आंदोलन शुरू करें। और उनकी इस असहयोग आंदोलन में बड़ी भूमिका है, इसलिए भाई उनको बापू को हमेशा हम लोग 2 अक्टूबर को याद करते हैं। ठीक है, जो एक लाठी के बल पर चलने वाला हमारे देश के बापू, हमें अशोक आंदोलन में अगर हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिए होते तो हम कितने पिछड़े होते। तो अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने इसमें सभी लोगों को साथ बोले कि अगर एकता बनाएंगे तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अगर हम एकता बनाएंगे तभी सफलता हमको प्राप्त हो सकती है। तब उनकी बात मानकर सभी जितने भी थे भाटागढ़ सभी लोगों ने अशोक आंदोलन में अपना सहयोग दिया और अंग्रेजों को मतलब उनके दमिहा से एकदम खदेड़ गया और अपनी सत्ता जमाने की सोचने की बारी सब लोग करने लगे। और महात्मा गांधी अशोक आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, उनके साथ आपके सरदार पटेल भी थे, चाचा नेहरू भी थे, चित्रंजन बंधु दास जी भी थे, जितने भी थे हमारे सभी इनके साथ लग गए कि भाई सफलता मिलेगी। और महात्मा गांधी ने वह कार्य कर दिखाया और अंग्रेज इस आंदोलन से ज्यादा ग्रसित हो गए और वह छोड़कर अपना वारा निर्मतक की हटना शुरू कर दी। और अशुभ आंदोलन अगर आप सबके पूछे कब चला था तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, और यह कलकत्ता में शुरू हुआ था जिससे हमारा कांग्रेस पार्टी का एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी में गांधी ने कहा था कि एक दिन हम आंदोलन चलाएंगे ताकि इनकी सत्ता हमसे दूर चली जाए, हम अपना स्वयं जिए स्वयं खाएं। तो इन्होंने 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन का शुरुआत किया और इसमें जितने भी थे हमारे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सराहना करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका आठ अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया। ठीक है, इसी में उन्होंने कहा डू वा डाई, करो चाहे मरो, डुआ डाई बोल दिया उन्होंने कि अगर हम ऐसे ही अंग्रेज की सत्ता पर हम चलेंगे तो कब तक चलेंगे।
हम कब तक चलेंगे। इस आंदोलन में हर भारत के समाजसेवी और शिक्षक, विद्यार्थी, सभी किसान, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1922 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी इसके भी संरक्षक थे, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जब ब्रिटिश शासन सत्ता हमारे देश में आई, प्यारे बच्चों, तो वह क्या थी कि हमसे उल्टा काम करवाती थी। हमारी सत्ता अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ के हर भारतवासी उससे उब चुके थे कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये देखकर वह ज्यादा तंग हो गए थे। फिर बाद में जब भाषण आंदोलन का ऐलान महात्मा गांधी ने शुरू किया, तब हर भारतवासियों के अंदर एक जागरूकता होती ना छाती है, तो वह उनके अंदर एक शक्ति पावर हो, यानी खड़ा हुए तो उनके साथ सभी लोग खड़ा हो गए। और 8 अगस्त 1922 को यह आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें 2-2.5 उन्होंने नारा दिया। उससे क्या हुआ प्यारे बच्चों की सरकारी स्कूल में, हमारे स्कूल था लेकिन हम अंग्रेज से पूछते थे कि हमें शिक्षा लेना कि नहीं लेना है। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय जितने भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि खत्म कर दिया सर की, जितने भी थे आपके मुंशी प्रेमचंद जी थे, गोरखपुर से भी त्याग पत्र दे दिया, जितने भी थे समाजसेवी, समाज सुधारक, नेता थे, जितने भी थे सभी लोगों ने विरोध किया। हर जगह वहां कपड़े की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्कूलों में आग लगा दिया गया, हम ऐसा नहीं करेंगे काम, नहीं पढ़ना है, इसका हर जगह विरोध हुआ। तब गांधी जी ने इसको देखा कि भाई अंग्रेज बेवजह हमारे ऊपर शासन सत्ता ज्यादा जुल्म ढाना चाहते हैं, तब इन्होंने इस आंदोलन को और तेज कर दिया और यह आंदोलन एक समझो कि क्रांति ला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1922 को जो शुरू हुआ था और इसमें हर जगह सफेद कपड़े की होली जलाई गई, स्कूल में आग लगा दिया गया और दफ्तर में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया, कोई नहीं गया कि हमें ऐसी सत्ता करने काम में नहीं है और अब करेंगे तो हम अपने मन से, उनकी हुकूमत से कार्य करने वाले नहीं है। ब्रिटिश सत्ता जो शासन थी उनको चलाती थी कि हमारा खाओ लेकिन हमारा गाओ, उनका मत गाओ, इसी इन्होंने विरोध किया। तब तो भाई हम आपने इस देश के महान पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमेशा याद करते हैं हम लोग, 2 अक्टूबर को उन्होंने ही 8 अगस्त 1922 को यह आंदोलन शुरू किया था। और उसके बाद उसमें भाषा आंदोलन में 3 कारण थे। पहला आपका था कि अपने प्रस्ताव पर सत्ता लाना, अपने सत्ते पर प्रस्ताव लाना कि भाई हमारी मांगे आप पूरी करेंगे तभी हम हटेंगे, उस हटने वाले हम नहीं है, तो हम विरोध आपका करते रहेंगे। और वही बात जब अंग्रेज नहीं माने तब आंदोलन एकदम तेज होता चला गया। फिर बाद में महात्मा गांधी ने इसे 1922 में इस आंदोलन को जब मेरा काम सफल हुआ तब इसको इन्होंने बंद करवा दिया, आंदोलन को 1922 को बंद हो गया। 22 से शुरू हुआ और आते आते यह एक सप्ताह जो 22 चला था वो आकर बीच में 42 के ही विपरीत एक प्रस्ताव पारित हुआ कि आपका यह कार्य हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक क्या कर हुआ बीच में रुक गए। लेकिन अंग्रेज इनके सत्ते पर प्रस्ताव बोले मिलाएंगे लेकिन आपका क्या कार्य है, बोले मेरा कार्य है अभी जो कहेंगे वो कार्य आपको मानना पड़ेगा, पहले आप कर हटाइए, उसके बाद शिक्षा में पूर्ण रूप से दीजिए और किसी के ऊपर आप कोई सत्ता पर मत जमाइए, ठीक तमाम बातें वहां पर हुई। और यही आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1922 को हमेशा हम लोग याद करते हैं। और उसके बाद अशोक आंदोलन जिसमें सबका सहयोग था जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था कलकत्ता से, ठीक है।
और यह भी आंदोलन सफलता प्राप्त किए और इसमें भी प्राप्त किए। ठीक, ये वाला ये 1820 को हुआ था, 22 में हुआ था, ठीक है, 22 में खत्म हो गया था। और उसके बाद तुरंत गणेश जब सफलता से मिले तो गणेश सोचता है कि अभी अब सफलता मिल गया है, अब ये सफलता अब इस पे लेना है। तो उन्होंने भाजपा आंदोलन का प्रस्ताव कर दिया कि भाई डुबा डाई करो या मरो, आपको डीजल लाना तो लाना है और हमें कुछ करना नहीं है। तब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत किया, भाजपा आंदोलन 1942 से शुरू हुआ। और इस आंदोलन को हम हमेशा याद भी करते हैं, नहीं तो अगर हमें आंदोलन नहीं चला होता तो आज हम जहाँ के तहाँ रहे होते, शिक्षा से दूर रहते बच्चों, और सही से हमें शिक्षा नहीं मिल पाया होता, नहीं सही दफ्तर में नौकरी मिल पाई होती, ना हमारे कोई कार पर कोई भी कार होता तो उनके पल को दस्त कर लो भाई साहब का दस्त लेकर आओ तब आपका कार होगा, उनकी हर बात सुनो आप तब होता था। इसीलिए गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया कि भाई ऐसे रहने वाले हम नहीं हैं, हमें करना है तो यही कार्य करेंगे, डुबा ढाई वाला कार्य शुरू तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, बड़ा समझा के बोलो, बोलना होता ना दोबारा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अशोक आंदोलन कब शुरू हुआ था तो एकदम स्टार्ट को बताना कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी समर्थन में, इसमें सबका सहयोग था, सरदार पटेल भी थे, चाचा नेहरू भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे, चित्तरंजन बंधु दास जी भी थे, मोलकराम आजाद भी थे, जितने भी थे सभी लोग इसमें भाग लिए थे। और उसके बाद भाजपा आंदोलन 1842 को, इसमें क्या हुआ कि इसमें सभी विद्यार्थी, शिक्षक, समाज सेवी, वीर नौजवान सभी लोगों ने भाग लिया था, तभी हमें सफलता प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, एक जानते होंगे आप लोग काला कानून, ठीक है, काला कानून नहीं जानते तो देख लो आप लोग, जिसे कहते हैं रौनक एक्ट, ये प्यारे बच्चों शुरू हुआ था 19 मार्च 1919, रौनक एक्ट 19 मार्च 1919 को शुरू हुआ था रॉलेट एक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि रॉलेट एक्ट क्या है उसके विषय बताने जा रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिए, यह शुरू हुआ था 19 मार्च 1919 को। इसमें क्या होता था पहले समझ जाइए, इसमें क्या होता था कि इसमें अंग्रेज ब्रिटिश शासन बिना वजह के कोई अगर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसे मुकदमे की वजह फंसा देते थे। अगर कोई भाई शिक्षा लेना चाहता था या आगे बढ़ाना चाहता था समाज को तो उसे तुरंत बेवजह हुआ लाकर लाकर में बंद कर देते थे, उनके ऊपर एक्ट लगा देते थे कि आप जेल में अफसर हो। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च में शुरू हुआ तो इसके विरोध में भी महात्मा गांधी आवाज उठाई थी, ठीक है। और रॉलेट एक्ट में कहा हुआ कि हमें कोई भी कार्य करना पड़ता था तो बेवजह हम अपने जब कोई बच्चों पढ़ाते थे या कोई समाज सेवा में लगे रहते थे तो बेवजह वो हमें लाकर लाका में बंद कर देते थे कि अगर वे जागरूक हो गए तो हमारी सत्ता चलने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने ये अपना एक अंग्रेज था वही उन्होंने रॉलेट एक्ट को पारित करवाया कि भाई अब कोई भी कार्य करेगा तो हमसे पूछेगा तभी कार्य करेगा, नहीं तो भाई बेवजह उसको हम बंद करेंगे। इसका भी विरोध हुआ था रॉलेट एक्ट का, जैसे कि शिक्षा से दूर किया कि शिक्षा पढ़ा रहे हैं भाई कैसे पढ़ा, हमसे परमिशन नहीं ली, तुम्हें बेवजह कहा अपना कार्य कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति किसी घर पर जाता था कोई काम करने के लिए उसे भी बेवजह ला देते थे कि हमारी बात जाकर वहां कहेगा, हमारी बात जाकर वहां कहेगा भाई वो विरोध करेगा मेरा, वहां विरोध करेगा ना, तो उसी को देख करवा अपना एक पारित किया 19 मार्च 1919 को रौनक एक्ट काला कानून। इसमें किसी की सत्ता चलने वाली नहीं थी, बेवजह है हमें बंद कर देते थे और इसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता था प्यारे बच्चों। और बाद में जब इसकी जड़ उखाड़ने के लिए सभी लोग कथ हुए तब अंग्रेज शांत हो गए, बोले नहीं दोबारा, दोबारा वो बोले एकदम नहीं कि हमें क्या करना,
तब अपने वह वहाँ से वह घिसकना शुरू कर दिए, आगे चलना शुरू कर दिए। तब मेरा कुछ चारा चलने वाला नहीं है। तो रोलेट एक्ट किसे कहते हैं? काला कानून, जिसे कहते हैं हम लोग काला कानून। ठीक है, अक्सर पेपर पूछता है काला कानून किसे कहते हैं। ठीक, अक्सर पेपर में आता है काला कानून किसे कहते हैं। ठीक, ब्लैक लॉ जिसे कहते हैं काला कानून, वह कोई पूछे आपसे तो बना भाई कि काला कानून मतलब रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेज बेवजह हमें लेकर लाका में बंद कर देते थे और हमसे दूर रखते थे, हमसे जो मिला तो उसे भी दूर रखते थे ताकि अपनी सत्ता को वह बता ना सके, अगर बताए भाई तुम्हारे ऊपर वह विरोध करेंगे। और उसके बाद वही काला कानून को हम लोग आज याद करते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं आपके, एक था आपका ए आई, समझा आप लोग को बताना रोलेट एक्ट उस आपसे कोई पूछे तो बोल देना 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, इसमें अंग्रेज बेवजह हमें शोषण करते थे, प्रताड़ित करते थे, हम अगर कोई कार्य करें तो भी हमें लाकर बेवजह बंद कर देते थे। अगर हम पहले जागरूक नहीं होते तो बाद में भुगतान पड़ना पड़ता, लेकिन इसलिए इस कानून को हम लोग रद्द करवा दिए, जब ऐसी सत्ता में साइन ये नहीं चाहिए। और ये रोलेट एक्ट के तहत आपका जो भी कानून बनाए अंग्रेज, सब देखे कि आप तो हमसे जागरूक होते जा रहे हैं, तो वो कहा कि अपनी सत्ता को नीचे दबा लीजिए, हटने लगे, शुरू कर दीजिए। ठीक, इससे रोलेट एक्ट हमेशा हम लोग याद करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद, मतलब कि अंग्रेज हमारे देश में कब आए थे, किस लिए आए थे, क्या क्या किए थे हमारे देश में आकर। ठीक है, उसकी विषय हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश में अंग्रेज कब आए, तो 1600 ईस्वी में भारत प्रवेश किए, और इनसे आने से पहले आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा। ठीक, जो भारत की खोज किया था 1498। ठीक है, जब वह गया यहाँ से हमारे देश में, हमारे देश में बेटा मिर्च मसाला बड़ा सस्ता मिलता था, यहाँ पर मिर्च मसाला बड़ा सस्ता मिलता था, हर खद्दान सस्ता मिलता था, तो क्या किया कि वास्को डी जब आया हमारे भारत में खोज किया, उसकी जहाज कालीकट बंदरगाह पर जाकर रुकी थी, सबको पता है। ठीक, और वह जब आया तो क्या किया कि हमारे देश में एक खोज तो किया ठीक है, लेकिन वह यहां से मसाला मिर्च हर चीज ले गया, और अपने देश में जब ले गया उसे यहां सस्ता की ना वहां पर ले गया, महंगे दाम में बेचा, उसे फायदा बहुत हुआ। तो उसका देखी देखा हुआ अंग्रेज हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तुरंत अंदर प्रवेश कर लिया। आपको पूछे थे भाई कि ईस्ट इंडिया कब आई थी, तो 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया, आई थी डच आए थे, फ्रेंच आए थे, ठीक जितने भी थे, तुर्की आए थे, पुर्तगाल आए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आया था, जो आपका ऑस्ट्रेलिया पुर्तगाली निवासी था बेटा, पुर्तगाल वाले आए थे पहले, उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए, सभी लोग हमारे देश में आ गए। जब आ गए तो यहाँ पर चर्बी का धंधा करवाना शुरू करवा दिए, सुअर के चर्बी। एक आप लोग नाम सुने होंगे मंगल पांडे, जो बलिया का भील से नौजवान, वो जात का ब्राह्मण था,
वो उसका विरोध किया था कि भाई हमें सैनिक का शिक्षा दे रहे, ठीक है, जो भर्ती हुआ सैनिक में, तो अंग्रेज उसे चर्बी पर दांतों से खींच कर उसे सुगर की चबड़ी लगती थी, सुगर की पीठ की चबड़ी लगी होती थी, उसी से दांत से खींचकर मारना पड़ता था। तो भाई ब्राह्मण तो उसका धन नष्ट हो जाता, वो इसका विरोध किया, उसका वह विरोध किया, उसे भी अंग्रेज मार दिए। लेकिन जब हमारे देश में प्रवेश किए अंग्रेज 1600 में, तो हमारे देश में आकर हुआ सामाजिक आर्थिक धार्मिक हर तरह से शोषण करते गए, राजनीतिक क्षेत्रवाद हक पर वो मतलब अपना हक जमाते गए। पहले हमारे देश में जब हुआ अंग्रेज, तो पहले वह हमें पैसा दिए बेटा, हमें उतना ज्ञान तो था नहीं, हमें वह पैसा दिए। पहले भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज खोखला हो गया है, पहले वह इंडिया सोने का चिड़िया कहा जाता था। और बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर देश में प्रवेश किए, तो वह व्यापार के रास्ते प्रवेश किए। अगर आपसे कोई पूछे कैसे प्रवेश किए, तो व्यापार के रास्ते प्रवेश किए। उनका यही सत्ता था कि भाई चलेंगे भारत में, अपना सत्ता जड़ जमा लेंगे, हर कार्य करके हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और सोचो हमारे खेत पर अपना कब्जा करवा लेते थे, हमारे खेत पर उल्टा पैसा देकर अपना और उसी को जोतते थे, और हमसे उल्टा कर्जा भी लेते थे, नील की खेती करवाते थे, और उसके बाद उन्हीं का हमको सुनना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता था, उन्हीं कार्य करना पड़ता था, मजदूरी कुछ नहीं मिलती थी, शोषण ज्यादा करते थे, और फिर वहाँ बगावत भी करते, तुम्हें में तुरंत मार देते थे। और यहाँ पाने के बाद उन्होंने धार्मिक मतलब धार्मिक धर्म के क्षेत्र में ज्यादा बात की है कि भाई आप ये धर्म अपना लो, आपको मालामाल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ की जनता जो भारत के थे, भाई इतना जागरूक तो थे नहीं, ठीक, अब उनके बातों में आ गए। धर्म को लेकर एक दूसरे में झगड़ा होने लगा, भाई भाई में, मित्रों में, समाज में झगड़ा होने लगा कि भाई इनका कहना मानो, ये धर्म अपना हुआ। चलिए उसके बाद फिर आता है राजनीतिक, मतलब कि अगर शासन सत्ता करना है, अगर अच्छा कर तो आपको मंत्री बना देंगे, आपको अच्छा पद पर बैठा देंगे, दफ्तर में रहें क्लर्क बना देंगे, आप अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन यह सुनकर सभी भाई, उन्हें ज्ञान तो था नहीं हुआ, भ्रमित होते जा रहे थे। फिर इसके बाद आर्थिक कारण मतलब भुखमरी आ गई बेटा, भाई कुछ करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अंग्रेज कहा कि हमसे बोले कि कार करो तभी पैसा कौन देंगे, तो उसे देने वाले कार हम नहीं है। और वह सोच में आए तो वह सर्वप्रथम भारत में हुआ व्यापार के रास्ते आए और हमसे तमाम कार करवाए, मिर्च मसाला तुरंत शुरू करवा दिए, नील की खेती करवा दिए, कपड़े का व्यापार शुरू करवा दिए, मतलब हर कार वो कराकर चलना शुरू कर दिए। और इसी को हमारे देश को अरे खोगा नहीं की होते उसे चिड़िया हमेशा कहते, इसलिए अंग्रेज हमारे देश में 1600 में प्रवेश किए और हमें एकदम बर्बाद कर दिए। उसके बाद आपका शुरू होता है क्रांति, 1857 क्रांति पढ़े होंगे आप लोग, ठीक, कहां शुरू होता पता है आप लोग को, नहीं पता है, ये समझ में आप लोग को, बोलिए आया ना, वो छावनी था बेटा, नहीं नहीं 1857 की क्रांति, मेरा इससे शुरू हुआ था बाबू, इसके मेन कौन थे, बहादुर शाह जफर, इसके मेन अध्यक्ष कौन थे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, बैरकपुर छावनी था बेटा, ठीक, वहां पे अंग्रेज हर भारतीय को शोषण भी करते थे। लेकिन जब यह क्रांति आई, एक तूफान ला दी क्रांति, 1857 की क्रांति एक तूफान क्रांति ला दी, और जिसे हम लोग हमेशा याद करते हैं। 1857 क्रांति, मंगल पांडे जब सही हो गया तब
उसके बाद इस क्रांति शुरुआत आपके बहादुर शाह जफर मेहर से शुरू की, और इसमें भी आपका सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक सबका सत्ता बांटा गया। और उसके बाद इसमें आप सुनोगे रानी लक्ष्मीबाई, वो भी क्रांति एक जनक थी, वीरांगना तो सब लोग याद करते हैं, जिसकी जयंती थी 19 नवंबर 1828 को हुआ था बेटा। वो नाना की छह छवेली थी, पता सबको जानते सब लोग, जो अंग्रेजों को दांत खट्टे कर दिए। 1757 की तलवार वो बड़ी पुरानी थी, वो तो खून लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, सोचो उसके सामने अंग्रेज भी थक गए। और इस क्रांति में नाना साहब, टाटा टोपे, लक्ष्मीबाई, उसके बाद फिर आता आपका चांद बीबी, जितने भी थे रानी चेनबा जितने भी थे सभी क्रांति लोगों ने इसमें भाग लिया था, कौशो क्रांति में। और यह क्रांति जब आई फिर तूफान ला दिया, अरे लगे डरने कि भाई हमसे तो आगे जा रहे हैं और मेरे सामने का कुछ चारा हमारे सामने को चलने वाला नहीं है, इसलिए हम कौशो क्रांति शुरुआत मेरे से शुरू हुआ था। और आप कोई से पूछे तो बता देना, क्वेश्चन कट जाता है, पेपर में आ गया आपके कि कौशो क्रांति कहाँ शुरू हुआ, ऑप्शन देता है चार, ये जो बताया हमें कि बैरकपुर सर जी बताया आप लोग, तो अगर उस पर अगर मारे तो आपका गड़बड़ हो सकता है, अब मारोगे मेरठ तो आप भी आपका सही रहेगा, तो आपको नंबर एक नंबर दे देगा ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि क्रांति कहाँ शुरू थी तो बता दो आप लोग कि मेरठ से शुरू हुई थी, इसके अध्यक्ष बहादुर शाह जफर जी थी ठीक। और उसके बाद उसी में हमारे समस्त क्रांति को आगे बढ़ाने वाले राजनेता भी मिल गए ठीक है, और सभी लोगों का सहयोग रहा कि क्रांति में सफल हुए ठीक। इसमें भी भाई चर्बी का विरोध किया गया ठीक, और उसके बाद शिक्षा का हर चीज पर बात किया गया, तभी यह क्रांति हमको हमेशा याद करती है। 1857 क्रांति एक घनघोर क्रांति थी, जैसे कि एक आपके हुआ था रूस में ठीक, रक्तहीन क्रांति, फ्रांस 1717 में रक्तहीन से लोहे की मतलब से खून की क्रांति के भी नाम से यहाँ जाता है, जब से पूछता है ऐसा वही पूछता है हिस्ट्री में कि भाई खून खूनी क्रांति किसे कहते हैं, तो हम फ्रांस की क्रांति को खून की क्रांति कहते हैं ठीक, और रूस की क्रांति को भी हम लोग खून की क्रांति कहते हैं, रक्त क्रांति रक्तहीन क्रांति, वह भी 1717 में। उसमें भी कहा कि अंग्रेज बेवजह सता कर मारते थे, जो उनका सत्ता था हमारे भारत में उसका भी विरोध किया गया, इसलिए हम लोग हमेशा रक्तहीन क्रांति से बिना उनको जानते हैं, लेकिन आपका एक क्रांति हमेशा पेपर में पूछता है ठीक। इसके बाद आपको अगले पार्ट में जो आपने पूछा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था ठीक है, 1930 में हुआ था, फिर 31 में जीती हुआ गोलमेज सम्मेलन, फिर जीती हुआ आपका 32 में ठीक। तो इसमें भी कांग्रेस के प्रस्ताव को कुछ बात रखी गई थी ठीक, क्या किस तरह हमें कार्य करना है, कई सत्ता को चढ़ना, उसी में प्रथम गोल सम्मेलन भाग लेने के लिए आपके लाल बहादुर शास्त्री भी गए थे, सब लोग जानते होंगे, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे ठीक। सोचो उनकी भी एक कारनामा था कि कहीं भी जाते थे बेटा, वह दो पद लिए थे, एक हवाई मंत्री भी थे प्रधानमंत्री भी थे बेटा, दोनों कार्य देखते थे, और कहीं भी जाते थे तो फाइल अपने साथ ले जाते थे कि एक कार्य करना, दिन भर वह कोई ना कोई कार्य लिखते रहते थे,
कहीं मीटिंग जाते थे तो भी लिखते थे, जब सम्मेलन में गए थे वहां भी अपनी फाइल को पूरा कर रहे थे। उनको चिंता थी कि भाई भुखमरी ना आए, अब स्वतंत्र हो गए लोग भुखमरी ना आए, इसलिए वह उस आंदोलन में भाग लेने गए थे 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, ये लंदन में हुआ था बेटा, ठीक है। उसके बाद 31 में भी हुआ, फिर 32 में हुआ, अंतिम में मेरा प्रस्ताव पारित हुआ, तब जाकर हमें सफलता मिली। शिक्षा से लेकर धर्म से लेकर हर बात पर बात रखा गया, उसमें आकार पड़ गया था, ठीक। इसीलिए हम लोग इस गोलमेज सम्मेलन को हमेशा हम लोग याद करते हैं, ठीक। अब आपको अगले कड़ी में हम पढ़ाएंगे आपको कल आर्य समाज, ठीक, ब्रह्म समाज, ठीक। आर्य समाज सभी जानते हैं, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किए थे ना, जो उनके भाभी को जिंदा जला दिया गया था, उनके भैया मर गए, उनको जिंदा जलाया जा रहा था, इसका वो विरोध किए थे राजा राम मोहन राय जी ने, ठीक। तो कल हम उस हिस्सा को पढ़ेंगे, ठीक है, आर्य समाज ब्रह्म समाज। उसके बाद फिर उसमें पढ़ेंगे हम लोग विलियम बेंटिक का किया था सुधार, वो सती प्रथा पर रोक लगवाया था बेटा, सबको पता है, नहीं तो भाई सती प्रथा आज भी तक चलती, उसी की देन है कि आज सती प्रथा रुक गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी के जब नहीं आया तुम्हारा देश आजाद हुआ तो शपथ चाचा नेहरू को ही दिलवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। अंग्रेज था लेकिन यहां की भाषा संस्था था, हर संस्कार देखा था, जो जले बनकर आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक वही, ठीक है। तो कल हम लोग वही पढ़ेंगे, आर्य समाज ब्रह्म समाज। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या बात थी, क्या क्या कार्य किया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। समझ में आ गया ना जो बताया हमने, सही बताना जो बताए हैं। 1 अगस्त 1920 को अशोक आयोग चला था बेटा, कलकत्ता शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, ठीक, भाजपा आंदोलन हुआ था पता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून बेवजह सजा दे देती अंग्रेज हमको, ठीक पता है। उसके बाद आपका आया था, हाँ, 1600 में जो अंग्रेज प्रवेश किए थे हमारे वास्को डी गामा ने भारत खोज किया था, आया था वो हम बताए आपको। उसके बाद फिर आपके थे क्रांति, क्रांति शुरू कहां से हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, इसके मेरठ कौन थे, बहादुर शाह जफर, ठीक।